बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर से है और उसमें भी यूलर थ्योरम पर बेस है। इफ़ जेड इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स माइनस वाई देन शो दैट एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 2z। इसको हमें प्रूव करना है। तो इससे पहले कि हम इसको शुरुआत करें अपने क्वेश्चन की, यूलर थ्योरम को देख लेते हैं। यूलर थ्योरम जैसे u फंक्शन हो x y का और ये x y में होमोजीनियस फंक्शन हो और माना कि इसकी डिग्री n है, तब यूलर थ्योरम होती है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू एन यू। तो ये यूलर थ्योरम होती है। यहाँ पर अब डिग्री कैसे फाइंड की जाए एन की वैल्यू, वो हम यहाँ पर अपने क्वेश्चन में बता देख लेते हैं। तो जेड की जो वैल्यू है, जेड अपना यू जो अपना यहाँ पर यूलर थ्योरम हमने लिया था वो अपना जेड है। तो ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपान एक्स माइनस वाई। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यूलर थ्योरम यहाँ पर अप्लीकेबल है। तो हमारा जेड फंक्शन जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में, क्योंकि जितने भी टर्म हमें न्यूमरेटर में नज़र आ रहे हैं उसमें जो पावर एक्स की है वही वाई की है। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर में भी देख रहे हैं कि जितनी पावर वन है वाई एक्स की, तो वाई की भी वन पावर है। तो एन की वैल्यू यहाँ से फाइंड कैसे करें, तो उसके लिए आप न्यूमरेटर की जो डिग्री है उसमें से डिनोमिनेटर वाली डिग्री को माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आपको इसकी जो है डिग्री पता चल जाएगी, एन की वैल्यू मालूम हो जाएगी। और जेड के बारे में बता दें कि होमोजीनियस है, सिंस जेड इज़ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ डिग्री टू, एन इज इक्वल टू टू। तो इसलिए यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो लिख सकते हैं वाई यूलर थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पहला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स है और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल जेड अपॉन डेल एक्स, फिर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड अपॉन डेल वाई राइट हैंड साइड में एन इंटू जेड, और एन की वैल्यू हमारी टू आ चुकी है। ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमको प्रूव करना था एक्स डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 2z, यही हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।